सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा रहेगा चैप्टर 4 ऑफ योर क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी, ठीक है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर कृषि के बारे में हम बात करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दूंगा, तो उसको फटाफट खत्म करते हैं। इसके बाद हमारा 2 चैप्टर हो जाएंगे और फिर हमारा 8th क्लास का एनसीईआरटी खत्म, ठीक, फिर हम इंपॉर्टेंट वाली करेंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी दे रखी गुरुप्रीत, माधव और टीना जो कि खेतों की तरफ जा रहे थे गाँव में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो किसान वगैरह हैं वो अपने खपरेल छा रहे हैं, टेलिंग लैंड। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग वीट एंड हैड जस्ट एडेड, टेलिंग मतलब खुदाई भी हो सकता है, कि वो वीट मतलब गेहूं एंड कुछ और मैन्योर मिलाने के लिए, जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए क्या कर रहा है, खोद के उसमें वो मिलावट कर रहा है। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट ही दैट द वीट वुड फेच अ गुड प्राइस, मतलब कि हमारा जो गेहूं है वो अच्छा प्राइस दिए फैक्ट्री, जहाँ से फैक्ट्री में जाएगा, जहाँ से ब्रेड बनेगा, बिस्किट्स बनेगा और आटा बनेगा, ठीक। तो ठीक है, this transformation from a plant to a finished product involves three type of economic activities, ठीक। यहाँ पे तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, दीजा प्राइमरी होगी जो हमारी, सेकेंडरी होगी और टेरिटरी होगी। अब मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ, प्राइमरी वो होगी जो रॉ होगी, जो सबसे पहले होता है, जो चीज जहां से निकलती है वो प्राइमरी होती है, ठीक। सेकेंडरी होती है जो जनरली फैक्ट्रीज वगैरह में होती है, ठीक है। जैसे मान लो गेहूं है वो प्राइमरी है हमारा, ठीक, गेहूं प्राइमरी है। अब इससे बनेगा हमारा आटा, ब्रेड, ठीक, आटा ब्रेड या फिर और भी जो चीजें बनेंगी एक्सेट्रा, वो सब किस में आएंगी, वो सेकेंडरी आएंगी, क्योंकि ये सब किससे बनना है, फैक्ट्री से बनना है, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। और टर्सरी मतलब सर्विस, टर्सरी सेक्टर को कहते हैं हम सर्विस सेक्टर, इंपॉर्टेंट याद रखना। ऐसे ही पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर होता है तीसरा सेक्टर। इसमें क्या होता है, सर्विसेज होती है, जैसे कि हमारा जो आटा है, ठीक, या फिर ब्रेड है, इन सबको बेचने के लिए जाते हैं लोग, ठीक, एक से दूसरी जगह बेचते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड करती हैं ऑल दोस कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन, खनन, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। हमारा एग्रीकल्चर, कृषि, फिशिंग सबसे पहला, गैदरिंग, ये सारे के सारे क्या है, अच्छे एग्जाम्पल इसके। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्स हैं इनका अब मतलब प्रोसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन, जैसे बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ, द एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्टिविटी, वही ना, ये सब कौन कर रहा है, या तो मशीन कर रही है, फिर सेकंड थिंग है आफ्टर द फर्स्ट, ठीक। टर्शियरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज, सर्विसेज वगैरह होती हैं इसमें, ठीक है, जैसे LIC वगैरह होगी हमारी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, यहाँ पे मोस्टली सर्विसेज आती हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डेवलप कौन सा सेक्टर है, सबसे ज्यादा लोग किसमें इन्वॉल्व है, 50% मतलब मोर देन 50% प्राइमरी में है, ठीक है, हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग प्राइमरी में है और सबसे कम है टर्सरी में, ठीक, और तो हम ग्रोथ कर रहे हैं टर्सरी में। और आपको पता है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लोग इसमें अराउंड 70%, सेकेंडरी में अराउंड 20% होंगे, इसमें 10% होंगे, लेकिन मैक्सिमम GDP पता कौन कंट्रीब्यूट करता है, टर्सरी वाला, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा ये मान लो ये करता है 70%, तो ये 20% और प्राइमरी वाला 10%, ऐसा है हमारे GDP में उल्टा ग्रोथ होता है। तो एग्रीकल्चर जो प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक, फ्लावर्स, रीयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक वगैरह। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज, मतलब वर्ल्ड में ही 50% लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, समझ रहे हो ना, 2/3 यानी कि 2/3 कितना हो गया, देख लेना मेरा मैथ्स बहुत वीक है। वर्ड ओरिजिन की बात करें, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एग्री और एग्री मीनिंग सॉइल, ठीक, मिट्टी, एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन, तो सॉइल का कल्टीवेशन। इसके अलावा बताएं फेवरेबल जो टोपोग्राफी है, सॉइल है, क्लाइमेट है, और वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये डिपेंड करते हैं। लैंड है जिसपे हम क्रॉप ग्रो करते हैं, इज नोन एज एरेबल, ठीक, एरेबल लैंड मतलब की जिसपे हम हमारा एग्रीकल्चर करेंगे। In the map, you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist. करती वही सब होंगे, जैसे कि ये हमारा, ठीक, ये रीजन तो रहेगा ही रहेगा, ये हमारा ये रीजन, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट लेक्स वगैरह बताया था ना आपको, इधर भी रिवर्स हैं, वोल्गा रिवर, सॉरी इधर एक रिवर होता है ना जो ब्लैक सी में जाती है, सॉरी इधर जाती है, फाइव कैपिटल्स से निकलती है इस तरह, तो यहाँ से फॉरेस्ट है, ठीक, यहाँ पे रिवर बताई थी ना आपको, मरे डार्लिंग रिवर, ठीक, नाइल रिवर, अमेजन, यहाँ तो कई खेती होगी, पूरा अमेजन बेसन ही है,
इधर ही हमारा प्रेरी पंपास, यहाँ पे सेल्वास जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक, ये चाइना का, तो ये सब कुछ है देख लेना। एग्री, अब देखो इसमें सब कुछ यहाँ से क्वेश्चन एक बना था, एग्रीकल्चर क्या होता है, तो साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक कॉल्ड फार्मिंग, कृषि तो आपको पता है। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर होता है कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, जो हमारे रेशम कीट होते हैं उनका कॉमर्शियली यूज करना, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, ठीक है, ये हमारे काइंड ऑफ कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप क्या होती है, जिससे जिसको हम बेच के पैसा कमा सकें, ठीक। तो सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, सिल्क वर्म से। पीसी कल्चर किससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, पीसी कल्चर रिलेटेड है फार्मिंग ऑफ द फिश, बस इतना इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं, जो फिर चाहे हम टैंक्स में करें, पॉन्ड्स में करें, कहीं से भी पीसी कल्चर होता है। विटी कल्चर क्या है, ग्रेप्स, ये आई थिंक एक PYQ है, ठीक, ये PYQ है। हॉर्टिकल्चर क्या है, अब इनमें से आएगा जो बचे हुए हैं हमारे, एक दो तीन, नहीं तीन और चार, इसमें से आएगा। हॉर्टिकल्चर क्या है, वेजिटेबल्स फ्लावर्स फ्रूट्स इन सबको उगाना, ये हॉर्टिकल्चर है, ठीक। अभी ध्यान रखना, एग्रीकल्चर आपको पता है, सेरीकल्चर में हमारा रेशम कीट होते हैं, पीसी कल्चर हमारी मछली होती है, विटी कल्चर हमारा पता है वेजिटेबल्स और सॉरी ग्रेप्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेप्स, विटी कल्चर में जनरली लोग वेजिटेबल लगाएंगे बट ग्रेप्स इसमें, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसको बोलते हैं जिससे सब्जियां फ्लावर्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो होता है कॉमर्शियल यूज के लिए, इसमें ये होता है। फार्म सिस्टम की बात करते हैं, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम है ऑब्वियसली, द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड, बीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरीज हैं एंड और जो चीजें हैं लेबर है। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्वड आर प्लगिंग, जोतना, सोइंग बोना, इरीगेट करना उसको पानी देना, वीडिंग करना और हार्वेस्ट करना, ये सब इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। दी आउटपुट्स ये पूछ सकते हैं, ये फॉर्मेशन दे सकते हैं कि सीक्वेंस से लगाओ क्रोनोलॉजिकली, सबसे पहले प्लोइंग होगा, फिर क्या होगा, इरीगेशन होगा या फिर सोइंग सोइंग होगा, फिर वीडिंग होगा या हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट लास्ट में करते हैं ना कोई भी फसल को, तो ये क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह। अब फार्मिंग के टाइप्स दे रखे हैं, फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, डिपेंडिंग हमारे उसका जियोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे कोई सी के किनारे रह रहा है तो उसका फार्मिंग किसी से होगा, मोस्टली वो फिश वगैरह करेगा, ठीक। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस वगैरह, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सब कुछ पे डिपेंड करता है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल, खुद के लिए, सबके लिए, ऐसे करके। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, मतलब कि जैसे आज की डेट में हम NPK, नाइट्रोजन फास्फेट और पोटेशियम यूज करते हैं हमारे खेतों में, जिससे हमारे जो प्लांट्स हैं उनसे ज़्यादा ग्रोथ हो और ज़्यादा उनसे प्रोडक्शन हो। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम देसी खाद जो कि केंचुआ वाली खाद होती है, आपने सुना होगा, उसको यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, उससे हमारी खेत की जो मिट्टी वो भी ख़राब नहीं होती, ठीक, और उसमें हमारा जो भी है जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी नहीं होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है आपको पता होना चाहिए, मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूँ, दैट इज सिक्किम। सिक्किम कौन से आर्टिकल से आया था, आर्टिकल 371F, अमेंडमेंट था 35th, लेकिन 36th से हमारा कंप्लीटली होना था। तो ये चीजें आपको कवर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है अभी देखते हो हम बढ़ाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, अपने घर के लिए होता है। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, जो हम जनरली मेरे घर पे ही होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, छोड़ो अब इसके बारे में बता देते हैं। चलो खैर सुन दे रखा है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, द फार्मर कल्टीवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, छोटी जगह पे, यूजिंग सिंपल टूल्स यूज करता है, जो हंसिया फावड़ा वगैरह एंड ज्यादा लेबर। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट, मतलब एक ही जगह पे वो एक साल में कई सारी क्रॉप्स को वो करता है। राइस इज द मेन क्रॉप, ठीक, चावल मेन क्रॉप है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल है राइस। अदर क्रॉप्स इंक्लूड करती हैं जिससे गेहूं है, मक्का है, पल्सेस दालें हैं एंड ऑयल सीड्स वगैरह हैं, सरसों वगैरह। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस सॉरी एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन द थिकी पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजंस ऑफ द साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, इन सभी में ये प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक कल्टिवेशन। इसमें क्या होता है, जो हम जनरली हम प्लेन इलाके में करते हैं वो हमारा है इंटेंसिव, मतलब हम एक ही जगह पर रहकर उसको इंटेंस तरीके से यूज करते हैं, किसको, अपनी जो हमारा जमीन है, लैंड है, ठीक, ये एक ही लैंड पे बार बार बो रहे हैं गेहूं,
पहले गेहूं बोया, फिर चावल, सरसों, ठीक, फिर मूंगफली, मक्का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। बट प्रीमिटिव में क्या होता है, प्रीमिटिव में वी यूज टू रोटेट। हमने आज ये लैंड यूज की जंगल में, दूसरी जगह गए, यहाँ के पेड़ पौधे उनको काटा, ठीक, वहां पे लैंड बनाई, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी टाइम के बाद खत्म हो गई, हमने इसको छोड़ा, दूसरी जगह बनाया, फिर यहाँ पे कुछ साल किया, फर्टिलिटी खत्म हो गई, अगला सेक्टर यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, एंड नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग मतलब कि घूम घूम के चराने वाले गांव है सुको वो वाले। अब देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इज अ प्रैक्टिस इन द थिकी फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, जो जंगल वगैरह में होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पे बहुत जल्दी वेजिटेशन दोबारा हो जाती है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाई फेलिंग द ट्रीज एंड वार्निंग देम, ठीक है, ये तो होता है, द एशेस आर देम मिक्स्ड विद द सॉइल, तो जो पेड़ पौधे जलाते हैं उसकी जो राख होती है उसको मिट्टी में मिलाते हैं, एंड जो क्रॉप्स लाइक मक्का, याम, पुट, आलू, कसाबा, जरक्रून, इन सबको उगाते हैं। आफ्टर सॉइल लॉस इट्स फर्टिलिटी, जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, द लैंड इज अबंडेंट, छोड़ दिया जाता है, एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट में चले जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये भी एक PYQ है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन विच कल्टीवेशन। तो ये हमारा क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे झूम कल्टीवेशन कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, ठीक, मिल्पा मैक्सिको में होती है, वराउका ब्राजील में, दादांग मलेशिया में, ये सब है, ठीक। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग इज अ प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू वगैरह में, एंड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन, जैसे कि ये बंदा है, ये है, इनके पीछे एक झुंड रहता है जानवरों का, ये हेडसमैन रहते हैं, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस पे अपने जानवरों के साथ घूमते हैं, फ्रॉम फोडर, फॉर फोडर मतलब घास फूस एंड वाटर के लिए, अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। शीप, भेड़े, कैमल, याक, बकरियां आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड, दे प्रोवाइड मिल्क, हमको मीट देती हैं, वूल देती हैं, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज, सब कुछ मतलब देती हैं जो भी मिलता है। और आपने देखा होगा गाँव में बहुत सारे, जब मेरे यहाँ ऐसे आते थे लोग, एक बंदा दो बंदे हैं और पूरा झुंड लेके चलता था पूरा, तो वो नोमैडिक नोमैडिक एग्रीकल्चर वाला हो गया, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, नोमैडिक नोमैडिक हर्डिंग। अब बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग, जिससे हमें पैसा मिलता है, हम अपने यूज के लिए कम यूज करते हैं बट पैसे के लिए ज्यादा करते हैं। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट, ठीक, द एरिया कल्टिवेटेड है, अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज लार्ज होता है इसमें, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स का काम होता है इसमें मैक्सिमम। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड करती है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का, जिससे अनाज होता है, मिक्सड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें तीन चीजें होती हैं कॉमर्शियल में, ग्रेन फार्मिंग होती है, ठीक, मिक्सड फार्मिंग होती है, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जैसे कि पेड़ पौधे वाले हो गए, ग्रेन अनाज वाला भी हो सकता है, ज्यादा अनाज लगा दिया, और मिक्सड फार्मिंग बहुत सारी चीजें एक साथ पैदा कर रहे हैं सबके। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज, जैसे कि गेहूं, मक्का आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। ऑब्वियसली मेजर एरिया जहाँ पे कॉमर्शियल ग्रोन फार्मिंग होती है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्यों है आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे ग्रेट लेक प्रदेश है, ठीक है, 5 रिवर्स हैं, सॉरी लेक्स हैं, और यूरोप एंड एशिया जो भी हमारा, दीज एरियाज आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स में, बहुत अच्छी जमीन है, सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट्स द ग्रोइंग सीजन, ठीक, एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, विंटर्स में एक ही सिंगल क्रॉप होती है। मिक्स फार्मिंग क्या होता है, द लैंड, अब देखो इस पे भी एक PYQ है, मिक्स फार्मिंग क्या होती है, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, खाना, घास फूस और हमारा जीवन यापन के लिए जो भी आइटम होता है वो मिक्स फार्मिंग के लिए होता है। जैसे कि देखो इट इज प्रैक्टिस, जो हमारा मिक्स फार्मिंग है यूरोप में होता है, अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में होता है, अर्जेंटीना में होता है, साउथ अमेरिका का जो पार्ट है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है और साउथ अफ्रीका में होता है। आप देखो थर्ड हमारा कॉमर्शियल है प्लांटेशन और टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, जहाँ पर सिंगल क्रॉप ऑफ जैसे कि चाय हो गई, कॉफी हो गई, गन्ना हो गया, काजू हो गया, रबड़ हो गया, केला, कॉटन, ठीक, ये सब उगाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड, इसके लिए पता है, द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज, द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता है क्योंकि
हमें उन चीजों के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे गन्ने के लिए पानी अच्छा खासा चाहिए, सेम विद द कॉफी टी, ठीक। मेजर प्लांटेशन और फाउंड इन द ट्रॉपिकल, आपको बताऊंगा अभी इसका चैप्टर आएगा। तो मेजर प्लांटेशन और फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, रबड़, जैसे रबड़ मलेशिया में मैक्सिमम, कॉफी ब्राजील में होती है, टी इंडिया में होती है और श्रीलंका में होती है, अदर सम एग्जाम्पल दे रखे हैं आप। फिर मेजर क्रॉप्स क्या होती हैं, अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटीरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेजर फूड क्रॉप्स आर जैसे कि गेहूँ है, चावल है, मक्का है, मिलेट्स है, बाजरा है, जूट एंड कॉटन एंड फाइबर क्रॉप्स हैं, ठीक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग आर द फाइबर क्रॉप्स, तो उसमें होगी हमारी जूट एंड कॉटन, इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आता है टी। बेवरेज क्रॉप्स मतलब जो हमको वो देती है बेवरेज, बेवरेज समझते ना, टी कॉफी वही होता है। बस फाइबर क्रॉप्स आने ना, फाइबर क्रॉप्स लोग भूल जाते हैं, जूट और कॉटन है। चावल की बात करते हैं, राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड है, ऑब्वियसली इट इज स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, राइस के लिए सबको चाहिए, टेम्परेचर भी हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए और रेनफॉल भी हाई चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन अलूवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर, ऐसी मिट्टी चाहिए जो वाटर को रिटेन कर सके, मतलब कि पानी उसमें ज्यादा टाइम तक स्टे कर रहे। चाइना लीड करता है राइस, उसके बाद इंडिया, सबसे नंबर राइस के प्रोडक्शन में चाइना, देन इंडिया, फिर जापान है, श्रीलंका है और इजिप्ट है। हमें इंपॉर्टेंट शुरू के तीन अलग रखने, चाइना, इंडिया एंड जापान। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है एंड बांग्लादेश, टू टू थ्री क्रॉप ग्रोन इन अ ईयर, मतलब एक साल में 2 से 3 वर्ष की फसल हो जाती है। जैसे हम गन्ना करते हैं अपने यहाँ से, वीट, गेहूँ, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, इसके लिए टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए, रेनफॉल एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, जब हम बोते हैं उसको तब चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब हमें इसको काटना होता है तो हमें ब्राइट सन चाहिए होता है, क्योंकि ये फसल पक चुकी होती है और अगर बारिश हो जाएगी तो सब गिर जाएगा। तो अभी यही पंगा हो रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यार हमारे यहाँ सारी फसल खराब हो गई क्योंकि पानी बरस गया बिना मौसम पर। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लूमी सॉइल, वीट इज ग्रो एक्सटेंसिवली इन USA, कैनेडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब में होता है। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर में, हमारे यहाँ होता है ऑब्वियसली। मिलेट्स की बात करते हैं, बाजरा, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल, यहाँ पे कम फर्टिलिटी है वहाँ भी हो सकता है, सैंडी सॉइल्स, ठीक, पथरीली जमीन पे भी हो सकती है। इट इज अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, ज़्यादा से कम टेम्परेचर चाहिए और कैसा चाहिए, रेनफॉल कम चाहिए बाजरे के लिए एंड एडिक्यूट रेनफॉल चाहिए। ज्वार, बाजरा एंड रावी आर ग्रोन इन इंडिया, अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। इसमें कंफ्यूज मत होना, नाइजर बीच में है जिसमें वो लैंड लॉक्ड है, ठीक है, और नाइजीरिया हमारा कैसा है, कोस्टल, यहाँ पे कोस्टल बाउंड्री है उसकी, ठीक है, अटलांटिक ओशन के साथ में। मेज क्या है, मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न, मक्का, वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, इसके लिए अच्छी चाहिए जमीन। पूछेगा मिलेट्स के लिए चाहिए मेज के लिए, तो मिलेट्स के लिए नहीं चाहिए, मेज के लिए चाहिए फर्टाइल सॉइल। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में बनता है। कॉटन की बात करते हैं, कपास, कॉटन रिक्वायर्स इसके लिए चाहिए हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल चाहिए इसके लिए। कॉटन पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस की, कॉटन की रिगार्डिंग उस दे रखी थी कि इसके लिए टेम्परेचर तो हाई चाहिए लेकिन लाइट हमें रेनफॉल बहुत हल्की चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 फ्रॉस्ट, मतलब इसमें वो नहीं होना चाहिए, मतलब कि फॉग वगैरह नहीं होना चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए। इट इज ग्रोथ, इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड अल्यूवियल सॉइल, इंपॉर्टेंट है ब्लैक और अल्यूवियल सॉइल पे सबसे ज्यादा होता है हमारा कॉटन। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, रॉ मटेरियल मेन है। पंजाब वगैरह में ज्यादा होता है। हु डिस्कवर्ड द कॉफी प्लांट, देर आर डिफरेंट वर्जन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफी, ठीक है। इन अबाउट एडी ऑफ 850 कल्दी एन अरब कोट हर्डर था, हु वाज पजल्ड बाय द क्वीर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक, टेस्टेड द वेरीज ऑफ द एवरग्रीन बश ऑन द विच The goats were feeding, यहाँ पे goats मतलब खा रही थी, on experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. मतलब ये बता रहे हैं कि एक कालदी नाम का बंदा था, ठीक, अरब का, जो चराता था, तो उसकी मतलब जो बकरियाँ थी उन्होंने कुछ बेरीज को कुछ वो टेस्ट कर रही होंगी, मतलब खा रही होंगी, तो इसने भी ये सब कुछ टेस्ट किया,
उसको थोड़ा एक्सेलरेट हुआ एंड फिर उसको लगा कि हाँ ये कुछ अच्छा है. देन उसने डिस्कवरी बताया कि हाँ मैंने आई हैव डिस्कवर्ड कॉफी इज अ गिफ्ट. चलो खैर सब बढ़ते हैं. जूट जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन आई एम टेलिंग यू जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर. सुनहरा फाइबर हमारा जूट होती है. इट ग्रोज वेल ऑन अलू. ऐसे कैसे बताऊँ आपको, जैसे जूट जूट की रस्सी होती है आपने देखी होगी सुनहरे रंग की होती है, तो ऐसे रख लो जूट इसको कहते हैं गोल्डन फाइबर होता है. इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर करता हाई टेम्परेचर्स के लिए चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज. ट्रॉपिकल एरिया में होती है ये. इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. ठीक. कॉफी क्या है, कॉफी को चाहिए वार्म एंड वेट क्लाइमेट, गर्म और थोड़ा सा मॉइस्चर वाला क्लाइमेट चाहिए एंड वेल ड्रेन होना चाहिए लूमी सॉइल. हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप. क्योंकि इसको पानी तो चाहिए बट स्टे नहीं करना चाहिए पानी, लाइक राइस. ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर हमारा कॉफी है, फॉलोड बाई कोलंबिया एंड इंडिया. हम थर्ड में आते हैं कॉफी को प्रोडक्शन में. टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन. ठीक है. दिस रिक्वायर्स इसको चाहिए कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स. ठीक. इट नीड्स वेल ड्रेन लूमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप. लेबर इन लार्ज मार्केट नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स. लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स. ठीक है. हमें लेबर चाहिए क्योंकि पत्नियाँ हैं पिकअप करनी है. तो इसमें केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका एंड प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा अच्छी है कोई नहीं है. केनिया इज अ कंट्री फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक. अब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की बात करते हैं. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक है. दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज. जैसे इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया को बढ़ा दो. ठीक. द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, मैकेनिजम्स ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक. इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. ठीक है. यहाँ पे कुछ है, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट क्या है, व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट द डायट्री नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ के लिए चाहिए. ठीक है. एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस. लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन USA, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया. With the help of two case studies of farms, one from India and other from the USA, let us understand about the agriculture in the developing and the developed country. मतलब कहाँ पे developing country में कैसे होता है और developed country में कैसे होती है. A farm in India जो कि developing है. There is a small village Adilabad, Gajipur district में, UP में. Munna Lal एक small farmer in this village who has farmed about 8 hectares. His house is in the main village में है. He purchases high yielding varieties of the seed market से खरीदता है हर दूसरे साल. द लैंड इज फर्टाइल है एंड ही ग्रोज एटलीस्ट टू क्रॉप इन अयर. मतलब एक साल में उस जमीन पर दो फसलें करता है, विच आर नॉर्मली वीट जो कि गेहूं चावल होती है हमारे यहाँ. ठीक. और दालें भी होती हैं. द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस. ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लॉगिंग हिज फील्ड. दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलॉक्स. ठीक. फॉर प्लॉगिंग देयर इज अ ट्यूब वेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड. Munna Lal also has two buffaloes and few hens. He sell milk in the cooperative store in Vesta, located in the nearby towns. He is member of the cooperative society, which also advise him on the type of water for his animals. के लिए घास फूस के लिए देता है. Safety measure to protect the health of the livestock and artificial insemination. पता है. All the members of the family help him in various farm activities. ठीक है. Sometimes he takes credit for a bank on the agricultural cooperative society to buy HYV high yielding variety seeds and implements. He sells it produce in the mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have lack storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. इसलिए हमारा क्या आया है, हमारी गवर्नमेंट इस वाला लॉन्च किया ना, मतलब पहले से चल रहा है जो मिनिमम प्राइस आपको इतना देना पड़ेगा. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. We develop किए. A farm in the USA. USA में कैसे होता है? The average size of farm in the USA is much larger than that of Indian farm. Obviously, a typical farm size in the USA is about 250 hectare. 100 hectare and 250 hectare. The farmer generally resides in the farm. Farm में ही रहते हैं इधर.
सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन अदर, यहाँ पे मक्का है, सोयाबीन है, गेहूँ है, कॉटन, शुगर शुगर वीट. जो अराउंड अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन लोवा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टर ऑफ लैंड उसके पास है. ही ग्रोन्स कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ द क्रॉप. एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स सॉइल सैंपल्स टू सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, भेजता है, मिट्टी के चेकअप पर आता है टू चेक वेदर द न्यूट्रिशन सफिशियंट है या नहीं है. रिजल्ट हेल्प टू हरन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम. His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of this of his field. This helps him to use chemical fertilizers and pesticide wherever they are required. He uses tractor use karta hai seed drills matlab beech bone ke liye, leveler, combined harvester and threshers to perform various agricultural operations. Grains are stored in the automated grain storage or dispatched to the market agencies. द फार्मर यूनिवर्स वर्क लाइक अ बिजनेस मैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर. मतलब वही है यार, कोई डेवलप्ड कंट्री का है, एक बंदा इतनी फार्मिंग करता है, ठीक. हमारे इंडिया में एक बंदा इतनी की, फिर दूसरा बंदा इतनी की, तो वही है, पॉपुलेशन ज़्यादा, इधर पॉपुलेशन कम, इधर टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक. तो बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं. छोड़ो, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, इतना ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ, ठीक. हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर बताया था ना आपको, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रिमिटिव फार्मिंग या ग्रोइंग ऑफ वीट. ये गलत है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. गोल्डन फाइबर, अभी आपको बताया गोल्डन हमारा क्या होगा, जूट होगा. लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी, सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में होती है, ठीक. चलो हम खत्म करते हैं चैप्टर को, ज्यादा कुछ है नहीं, इसका दो चैप्टर बचे हैं, इसको अपलोड करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव. सो स्टे ट्यून, सी यू सून यार, टेक केयर, जय हिंद.